हाँ जी, तो तुम अभी इंग्लिश का एग्जाम देके आए हो, बढ़िया चिरविल कर रही है, रात हो गई है भाई, जैसा भी गया जो भी गया तुम उससे तो ऊपर उठ चुके हो। अभी आगे और एग्जाम्स पेंडिंग हैं, जो एक चीज तुम शायद रियलाइज नहीं कर रहे हो या सीबीएसई ने रियलाइज नहीं की कि सीबीएसई ने तुम्हें 20 दिन का बफर दे दिया। अगर तुम्हारे पास मैथ्स नहीं है, तुम्हारे पास इकोनॉमिक्स के लिए 20 दिन है, और अगले 20 दिन तो बहुत जरूरी होने वाले हैं। लेकिन इन 20 दिन में एक छोटा सा ट्विस्ट यह है कि तुम्हें इन 20 दिन की प्लानिंग जो है वो इस 20 दिन से भी आगे की सोच के करनी होगी, क्योंकि अगर तुमने वो ढंग से नहीं किया तो ये बहुत बहुत खराब सीन हो जाएगा, जो कि हम ऑब्वियसली नहीं चाहते, क्योंकि हमने एडुकेशन को सब्सक्राइब कर रखा है भाई। तो लेट्स हैव अ लुक कि चीजें होने कैसे वाली हैं। देखो अभी तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा लॉट पड़ा है 25 फरवरी से लेके 11 मार्च तक का। किसी भी केस में 11 मार्च से पहले तुम कॉमर्स वाला कोई एग्जाम नहीं है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा 13 मार्च को फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है, 17 मार्च को इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, ठीक है। तुम्हारे पास अगर है तो फिजिकल एजुकेशन वो काउंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसके बाद तुम्हारा 23 मार्च को आईपी का एग्जाम है, 25 मार्च को बीएसटी का एग्जाम है, लास्ट 31 मार्च को अकाउंटेंसी का एग्जाम है। मैंने इस सारी चीज को, इस सारे कॉन्सेप्ट को 4 टुकड़ों में तोड़ लिया है, पहले 11 मार्च तक का, देन 17 मार्च तक का, देन 25 मार्च तक का, और देन 31 मार्च तक का। अब तुम अगर एक चीज ऑब्जर्व करो, तुम्हारे पास जो जो सब्जेक्ट्स हैं उनको टिक कर लेना, बाकी को मत करना। आराम से ध्यान से इस वीडियो को सुना, क्योंकि मैं बहुत तसल्ली से बताने वाला हूं तुम्हारे आने वाले दिनों में तुम्हें किस मेंटालिटी से, किस माइंडसेट से चलना है, क्योंकि ये जो छुट्टियां है ना, ये छुट्टियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर हमने इनको ढंग से यूटिलाइज नहीं किया तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि आगे जाके तुम बहुत पैनिक कर जाओगे, बीएसटी में तो एक ही छुट्टी है, आईपी में इतनी सारी छुट्टियां, यहां नहीं पढ़ते, यहां पढ़ लेंगे, फिर बीएसटी कब कर, बहुत इश्यूज आते हैं। मैं खुद उस स्टेज से गुजरा हूं, इसलिए मुझे पता है सीबीएसई की रेटशीट कभी परफेक्ट होती ही नहीं है। ये आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों को बैलेंस करना होता है, आई डोंट नो क्या कैसे चलता है उनके दिमाग में, बट हमेशा ऐसी चीजें, ऐसे लूप होल्स होते हैं, एंड हमें एज अ स्टूडेंट अपने एंड से चीजें सॉर्ट करनी पड़ती हैं कि हम कैसे क्या सही करें। तो एज ऑफ नाउ तुम्हारे पास जो जो सब्जेक्ट है उसको टिक कर लेना, एंड इस पूरी वीडियो में जो बताने वाला हूं उसके अंदर ये रिमार्क्स जरूर ध्यान रखना। सबसे पहले तो तुम्हें रेटिंग सिस्टम को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। नाउ व्हाट इज द रेटिंग सिस्टम, तुम अपने हर चैप्टर को मार्क करोगे, ये मेरा चैप्टर 1 out of 5 है, ये मेरा 2 out of 5 है, ये मेरा 3 out of 5 है, ये मेरा 4 out of 5 है, एंड ये वाला मेरा 5 out of 5 है। 5 out of 5 इज पीक लेवल प्रिपरेशन की मेरे से अभी एग्जाम लिखवा लो, मैं ही कर सकता हूं। 1 out of 5 इज जस्ट मैंने नजर मारी है, उससे आगे मुझे कुछ नहीं आता। 2 out of 5 इज नजर भी मार लिया, चैप्टर पढ़ लिया, आइडिया है अच्छा सा। 3 out of 5 इज अच्छा खासा चैप्टर कर लिया, पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, टीचर से लेक्चर देख लिया, सब कुछ है। एंड 4 out of 5 इज मैंने उसकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर लिया, टेस्ट वगैरह भी दे रही है, मॉक्स भी दे रही है, और 5 तो पीक लेवल। तो अच्छे से रेटिंग सिस्टम फॉलो करने से क्या होगा, तुम्हें पता रहेगा कि तुम कब कहां कौन से चैप्टर में किस लेवल पे हो, ठीक है। अलॉन्ग विद इट मेजर योर रिक्वायरमेंट इन डेज फॉर एवरी सब्जेक्ट। हर इंसान को ना पता होता है यार कि मेरा ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, लाइक मेरा मैथ्स इतना स्ट्रॉन्ग है और मेरा जो टारगेट है दैट इज राउंड अबाउट पास होना, तो मेरे को ना मैथ्स में आई गेस ये 4 दिन इनफ रहेंगे। ऐसा किसी बच्चे को लग सकता है, 7 से लेके 10 तक किसी को लग रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, दैट्स टोटली फाइन। तुम्हें अपने बारे में पता होना चाहिए कि मुझे किस सब्जेक्ट में कितने दिन लगने वाले हैं। अब मैं थोड़ी सी चीजें और हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहली चीज तो 8 मार्च है होली, तो मैं मान रहा हूँ ये होगा तुम्हारा डेड डे, तुम इस दिन नहीं पढ़ाई करोगे, तुम्हारी पढ़ाई हो नहीं पाएगी, तुम दोस्तों का होली खेलोगे, रिश्तेदारों के साथ होली खेलोगे, खाना पीना खाओगे, बट इस दिन तुम्हारी पढ़ाई बहुत मिनिमल होगी, मैं मान लेता हूँ, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट मैं 3 मार्च को रख रहा हूँ चेक पॉइंट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। अब ये बात है ना, पूरी वीडियो में जो भी बताने वाला हूँ दैट इज जस्ट अ गाइडलाइन, वो पूरा फ्लेक्सिबल है, तुम्हारे हिसाब से चलेगा, वो मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, कंप्लीटली तुम्हारे हिसाब से चलेगा। अब अगर मैं इस स्लाइड पे आऊँ, स्पेसिफिकली इस स्टेज 1 पे फोकस करो, तुम्हारे जो अगले लॉट ऑफ डेज है, कंसिडरिंग तुम्हारे पास मैथमेटिक्स है, तो हमें एक चीज समझ आ जाती है भैया, मैथमेटिक्स होने का सीधा सा मतलब है कि हमें आगे इकोनॉमिक्स में थोड़ी सी दिनों की कमी आने वाली है, तो हमें इन दिनों में एक तो इकोनॉमिक्स को एडजस्ट करना है, विच इज क्वाइट ऑब्वियस, वी नीड टू एडजस्ट इकोनॉमिक्स, ये हमारे पास क्लैरिटी मिल जाती है, ठीक है। और अगर मेरे पास मान लेते हैं कि आईपी है, तो मुझे ये भी दिख जाता है कि मुझे यार आने वाले दिनों में बीएसटी को भी एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले ना ये देखो कि मेरे को दिन कम पड़ कहाँ रहे हैं, मुझे एडजस्ट कहाँ करना है, इस चीज को क्लैरिटी में ले रख के चलना कि यार यहाँ पे अगर मेरे पास इकोनॉमिक्स में दिन कम पड़ रहे हैं, मुझे 3 में नहीं चलेगा, मुझे ज्यादा दिन चाहिए होंगे, तो हमें एडजस्ट करना है। बीएसटी में दिन कम पड़ रहा है तो हमें एडजस्ट करना है। अकाउंट्स में 5 दिन वैसे तो इनफ है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कम पड़ रहा है तो एडजस्ट करना है। नाउ अब मैंने जो 3 मार्च का चेक पॉइंट रखा है, मैं मान के चलता हूं कि 3 मार्च से पहले तुम्हें किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को डिवोट करने की जरूरत नहीं है। ये जो दिन है, लाइक अगर मैं कहूँ 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, ये 7 दिन, 7 days, यानी कि 1 week स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, यानी कि हमारा 3 मार्च आएगा फ्राइडे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 मार्च फ्राइडे होगा। अगले फ्राइडे तक का तुम्हारे पास टाइम है। ये जो डेट है, ये जो डे है, इस डेट तक तुम कुछ भी कर सकते हो। दैट कुड बी इकोनॉमिक्स, दैट कुड बी बीएसटी, दैट कुड बी अकाउंट, दैट कुड बी आईपी, दैट कुड बी मैथमेटिक्स, एनीथिंग।
बट एक चीज का ध्यान रख के चल रहे हैं हम कि हमें मेजरली बैकअप्स कवर करने हैं. एंड व्हेन आई से बैकअप्स कवर करने हैं, हमें सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है हेवी चैप्टर्स को. एंड व्हाट डू आई मीन बाय हेवी चैप्टर्स? जो हेवी वेटेज के हों. हेवी वेटेज से मेरा मतलब क्या है, जो हमारे पास 7 दिन है ना, 7 days, इसके अंदर मान लो मैं फॉर एग्जाम्पल बात करता हूँ कि तुम्हारे पास आईपी है एंड तुम्हें बीएसटी की प्रिपरेशन के लिए उसके लिए अलर्ट रहना है. ये जहां पे देखते हैं हमारे पास आईपी है ना, बीएसटी के लिए अलर्ट रहना है, तो मैं बीएसटी के सबसे हेवी चैप्टर्स उठाऊंगा जो मेरा टाइम भी लेंगे और मुझे मार्क्स भी देंगे. आई प्रेफर कि मैं फाइनेंशियल मार्केट्स कर लूं एंड मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लूं एंड अगर टाइम बचता है तो मैं मार्केटिंग कर लूं. ये तीन चैप्टर अराउंड 23-24 मार्क्स की वेटेज में आता है, ये तीन चैप्टर्स अकेले. ठीक है, इसके बाद मुझे और किसी इंपॉर्टेंट चीज पे जाना तो मैं प्लानिंग पे आ जाऊंगा, मैं डायरेक्टिंग पे आ जाऊंगा. फिर देखें अगर यही मैं सेम अकाउंट्स की बात करूँ, अकाउंट्स का मुझे कुछ कन्फर्म करना है तो आई गो विद एडमिशन और रिटायरमेंट गो पैरेलल. मैं एडमिशन रिटायरमेंट के साथ जाऊंगा. ठीक है, एडमिशन रिटायरमेंट मेरा जब हो जाएगा कंप्लीट तो उसके बाद आई प्रेफर कि मैं इश्यू ऑफ शेयर कर लूं. तो तुम्हें ये जो 7 दिन है, ये 7 दिन अपने एग्जाम की कमियों को कवर करने के लिए देना कि यार वहां पे ना मेरे पास टाइम कम होगा, इकोनॉमिक्स में मेरे पास दिन बहुत कम होंगे, तो व्हाट आई प्रेफर कि मैं नेशनल इनकम और इंडिया चाइना एंड इफ इट्स पॉसिबल अपना एग्रीगेट डिमांड वाला चैप्टर, ये चीजें मैं अभी निपटा लूंगा. नेशनल इनकम, इंडिया चाइना वाला चैप्टर, एग्रीगेट डिमांड वाला चैप्टर बहुत हैवी वेटेज रखते हैं, बहुत अच्छा खासा टाइम मांगेंगे एंड वो टाइम तुम तब अच्छे से दे पाओगे जब तुम्हारे माइंड पे कोई लोड नहीं है. अगर एग्जाम से एक दिन पहले चैप्टर्स उठा के बैठोगे तो बहुत लोड रहेगा कि फटाफट से खत्म करने, अगर इन चैप्टर्स को फटाफट से खत्म करने में लग गए तो लग जाएंगे. ठीक है, यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो अभी से ना अपनी इस लिस्ट को इवैल्यूएट करो कि मेरे पास सब्जेक्ट कौन कौन से, अच्छा मेरे पास मैथ्स है या नहीं है, फिजिकल एजुकेशन है या नहीं है, आईपी है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग मुझे कहाँ कमी पड़ रही है. अगर मेरे पास आईपी नहीं है तो मेरे पास यहाँ तो बहुत सारे दिन बचते हैं. ठीक है, और फिर मुझे लगता है अकाउंट्स में कम है तो मैं यार 18 तारीख अकाउंट्स को दे सकता हूँ ना, बहुत इजीली दे सकता हूँ, 19 भी दे सकता हूँ इफ माई बीएसटी स्ट्रॉन्ग इनफ. अगर मेरे पास फिजिकल एजुकेशन नहीं है तो मेरे पास इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे खासे देने हैं, मैं यहाँ थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का 1-2 चैप्टर कर लूंगा, बाकी मुझे खास जरूरत नहीं है. अगर मेरे पास मैथ्स भी नहीं है ना तो आई विल से एक्सटेंड दिस 3rd to 8th, जो मैंने फ्री वीक दिया ना तुम्हें, व्हाट आई सेड इज फ्री वीक, ये फ्री वीक में 5 दिन और ऐड कर लो और इसको 8 तक ले आओ, क्योंकि तुम्हारे पास मैथ्स तो है नहीं. ठीक है, तुम्हारे पास मैथ्स नहीं है तो आइदर वेज के अंदर तुम मान के चलो 8 तक हम कुछ भी कर रहे हैं, फ्री वीक चल रहा है हमारा, उसके बाद हम यहां से 9, 10, 11, 12, 4 दिन है फिजिकल एजुकेशन के लिए, फिर 3 दिन है इकोनॉमिक्स के लिए. तो ये 7 दिनों में तुम इको और फिजिकल एजुकेशन का ब्लेंड बहुत अच्छे से कर सकते हो. इफ आई गेट बैक टू माय रिमार्क्स, तो यहां पे क्या था, सबसे पहले तो रेटिंग सिस्टम को अपनाओ ताकि तुम्हें पता लगे मेरा कौन सा चैप्टर अभी कहां स्टैंड करता है एंड मुझे उस पर कितनी मेहनत करके उसको कहां से आगे शिफ्ट करना है. सबसे पहले ट्राई कि तुम्हारा कोई चैप्टर 1/5 ना रहे, सारे एटलीस्ट 2/5 आ जाए, फिर ट्राई कि कोई चैप्टर 2/5 ना रहे, सारे एटलीस्ट 3/5 आ जाए, फिर ट्राई कि कोई चैप्टर 3/5 ना रहे, तो यानी कि नीचे से ऊपर चलना है. विच सेज Always go from hard to easy. तुम्हारे जो आने वाले दिन होने वाले हैं, always prefer कि मैं सबसे पहले मुश्किल चैप्टर उठाऊं या जो मेरे सबसे कम prepared चैप्टर है वो उठाऊं. जो चैप्टर already 4 and 5 है उसको 5 and 5 ले जाने पे focus मत करो. सबसे पहले सबको उठा के 4 and 5 तक लाओ. जिन चैप्टर्स को हाथ तक नहीं लगाया, जिनकी प्रिपरेशन नहीं है, उन पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है. इस चीज को ध्यान रखना. तो हमारे जो आने वाले दिन है ना, हमें पता है इकोनॉमिक्स के लिए हमारे पास 3 दिन है. ठीक है, फिजिकल एजुकेशन मैथ्स देने के बाद 1 दिन और बचता है एंड फिजिकल एजुकेशन अगर तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, प्रैक्टिकल दिया है, तो तुम्हें अच्छा खासा आइडिया हो जाता है कि हमारा आधा दिन मैथ्स का है, 1 दिन और मिल जाएगा, 1 दिन हम थोड़ा सा पहले प्रिपेयर करके रख लेंगे अपने फ्री वीक में, तो इनफ हो जाएगा. इको में 3 दिन तो कम पड़ेंगे, तो हम इको के लिए पहले से करके रख रहे हैं ना, नेशनल इनकम, इंडिया चाइना और एग्रीगेट डिमांड वगैरह हम पहले से करके रख रहे हैं, तो इसी अकॉर्डिंग तुम्हें अपने हिसाब से चीजें मैनेज करनी होगी. यहाँ मैं कोई एब्सोल्यूट प्लान नहीं देने आया, ना मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर एक बाउंडेशन लगा देगा और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. तुम्हें पता है तुम्हारा कौन सा चैप्टर किस लेवल पे है, तभी मैंने रेटिंग सिस्टम का मेंशन किया. तुम्हें पता है तुम्हें किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए कितने दिन चाहिए, किसी को अकाउंट्स के लिए 2 दिन इनफ है, किसी को अकाउंट्स के लिए 5 दिन भी कम है, तो तुम उसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करोगे. एंड ऑलवेज गो फ्रॉम हार्ड टू इजी एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रैक्टिस पास्ट ईयर क्वेश्चंस. इस चीज को गलती से भी मत भूल जाना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज होती है सीबीएसई के लिए, तो बहुत ही ज्यादा भैया. पास्ट ईयर क्वेश्चंस बहुत वैल्यूएबल होते हैं एंड इनसे बहुत अच्छा खासा पेपर का आइडिया लगता है. तो एग्जाम डेज की जो प्रिपरेशन है उसके अंदर इस सेगमेंट को भी इंक्लूड करना है कि मुझे मेरे पास्ट ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है. समझ गए भैया, काफी कुछ हो गया अगले 20 दिनों के लिए. अगर मैं फटाफट से सम अप करूं तो दैट सेज कि अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करो. ठीक है, अपने हिसाब से कस्टमाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है. एक फ्री वीक दिया है, फ्री वीक मैथ्स है तो 3 तारीख तक, मैथ्स नहीं है तो 8 तारीख तक, 8 तारीख की हुई है उस पर कंसिडर करो, पढ़ाई ज्यादा नहीं होगी एंड तुम्हारे किस एग्जाम के कितने दिन हैं उसके अकॉर्डिंग तुम उसको एडजस्ट करोगे. एंड ट्राई गोइंग फॉर द हैवी वेटेज चैप्टर्स फर्स्ट. हैवी वेटेज बीएसटी में फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, अकाउंट्स में एडमिशन रिटायरमेंट इश्यू ऑफ शेयर एंड कैश फ्लो, इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम, इंडिया चाइना एंड एग्रीगेट डिमांड. एंड भैया अभी जो टिप्स दिए आपने इसके अंदर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट टिप क्या है?
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट टिप है दैट सेज की सब्सक्राइब टू एडुकैप्टर, क्योंकि एडुकैप्टर पे बहुत इंपॉर्टेंट क्रेजी मटेरियल आने वाला है। जो कंटेंट है ये बहुत स्पेशल होने वाला है, तो मैं हर सब्जेक्ट के लिए लॉट एंड लॉट एंड लॉट्स ऑफ गाइडेंस मिलने वाली है, बहुत मजा आएगा। तो सब्सक्राइब करो, स्टे ट्यून्ड एंड तैयारी करो कस के, क्योंकि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, मैंने बता दिया तुम्हें, बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में कोई भी डाउट है कोई भी कमेंट नीचे बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।